कहानी की शुरुआत बर्फ के अंदर फंसी एक फॉक्स डायमंड से होती है। वो इसलिए वहां फंसी होती है क्योंकि बहुत साल पहले उसने किसी इंसान की मदद करके डायमंड के रूल को तोड़ा था, इसलिए उसको ये सजा मिली थी। तभी वहां पर एक चिड़िया अपनी चोंच को बर्फ पर मारती है, जिससे वो जिया हुए डायमंड आजाद हो जाती है। ये बर्फ भी एक डायमंड ही होती है जो कि फॉक्स डीमन को अपनी बहन मानती है। अब आगे जिया हुए एक राजकुमार से उसका दिल मांगती है। इस बात को मजाक समझकर वो राजकुमार उसे दिल देने के लिए राजी हो जाता है। तभी बर्फ डायमंड पीछे से आकर उसका दिल निकाल लेती है। तब जिया हुए डायमंड बताती है कि वह डायमंड से इंसान बनना चाहती है, क्योंकि अगर वह डायमंड ही बनी रही तो धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो जाएगी। उसे इंसान बनने के लिए किसी सच्चे इंसान के दिल को खाना होगा, जो अपनी मर्जी से उसे अपना दिल दे दे। अब आगे जियाओ वे डायमंड कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है। तभी एक राजकुमार सा दिखने वाला अजनबी, जिसके आगे मुंह पर सोने का मास्क लगा होता है, उसको इन गुंडों से बचा लेता है। अब जैसे ही राजकुमार जियाओ वे डायमंड को अपने घोड़े पर बिठाता है, उस डायमंड को उस अजनबी के दिल की धड़कन सुनाई देती है। तब उसे लगता है कि शायद उसकी तलाश खत्म हुई। अब जियाओ वे डायमंड उसका दिल निकालने के लिए उस पर जादू करके उसे बेहोश कर देती है, लेकिन वो जैसे ही उसका मास्क हटाती है तो उसे पता चलता है कि वह भी एक लड़की है। उसका नाम जिन है। दरअसल वो एक राजकुमारी होती है जिसका आधा चेहरा खराब होता है, इसलिए उसने मास्क पहना होता है। इसी हालत में हुजिन नाम के एक आदमी को, जो कि राजकुमारी का बॉडीगार्ड होता है, उसका नाम बड़बड़ा रही होती है। दरअसल राजकुमारी ने उसे प्रपोज किया था तो उसने मना कर दिया था। इस बात से गुस्सा होकर राजकुमारी जंगलों में चली आई थी, जहां पर उसके मुंह पर भालू ने अटैक करके उसका चेहरा खराब कर दिया था और हुजिन ने वहां जाकर उसे बचा लिया था। अब आगे जियाओ वे डांस कर रही होती है, जहां पर सभी लोग मौजूद होते हैं। वह डांस करते हुए हुजिन पर काला जादू करती है, जिससे उसकी आंखें काली पड़ जाती है। अब वह जियाओ वे की खूबसूरती का कायल हो जाता है। फिर एक आदमी कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें बता रहा होता है कि उसके दादाजी डायमंड हंटर थे। साथ ही वो ये भी बताता है कि डायमंड की हत्या सिर्फ उसके खून से ही हो सकती है। डायमंड इंसान भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें इंसानों का दिल खाना पड़ता है। तभी वो आदमी एक बोतल निकालता है जिसमें डायमंड फॉक्स की पूंछ होती है। अचानक को चमकने लगती है, इसका मतलब है कि उसके आसपास कोई न कोई डायमंड जरूर है। फिर यह सब बताने के लिए वह महल के अंदर जनरल के पास जाता है, लेकिन पहरेदार उसे अंदर जाने नहीं देते। अब आगे बट डायमंड जो कि वर्ल्ड सिटी में घूम रही होती है, तभी दो आदमी उससे बदतमीजी करते हैं, जिनको अपने जादू से बेहोश करके उनका दिल निकाल कर खा लेती है। वहां पर बोतल वाला आदमी पहुंचकर सब कुछ देख लेता है। तब उसे समझ में आता है कि वह लड़की एक डायमंड है। आगे टाइमलाइन सिटी की प्रिंसेस बताती है कि गोल्डन मास्क वाली लड़की, यानी कि वर्ल्ड सिटी की प्रिंसेस, वापस आ गई है। फिर वो बताती है कि उसे अपने राजकुमार को वापस लाने के लिए मास्क वाली लड़की को हासिल करना होगा। तब उस राज्य का एक जादूगर कहता है कि जो भी करना है जल्दी करना होगा, उनके पास एक हफ्ते का वक्त है, क्योंकि ठीक 7 दिन बाद सूर्य ग्रहण लग जाएगा। उसके बाद गोल्डन मास्क वाली राजकुमारी जंगलों में जाते हुए अपने प्रेमी के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो उसके प्यार को ठुकरा चुका है। अब वो पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पानी में छलांग लगा देती है, जिसे जियाओ वे डायमंड बचा लेती है। और फिर वह डायमंड राजकुमारी से एक सौदा करती है कि वो उसे अपनी खूबसूरती दे देगी, बदले में वो राजकुमारी का दिल मांगती है, लेकिन राजकुमारी मना कर देती है। आगे टाइमलाइन सिटी के लोग राजकुमारी से अपने राज्य के प्रिंस की शादी का ऑफर लेकर आते हैं, लेकिन राजकुमारी जिन उन्हें मना कर देती है। फिर ऑफर लेने वाला एक सिपाही कहता है कि अगर वह मना करेगी तो बॉर्डर पर खड़े लाखों की तादाद में उनके सैनिक उनके राज्य पर हमला कर देंगे। इतना कहकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी राजकुमारी जिन के सिपाही आकर उनको बताते हैं कि दुश्मन राज्य के बहुत करीब आ चुके हैं, किसी भी वक्त उनके राज्य पर हमला हो सकता है, इसलिए वो राजकुमारी जिन को सेफ जगह छुपने की सलाह देते हैं। इस पर हुजिन सबसे लड़ने के लिए अकेले ही निकल जाता है, ताकि राजकुमारी को छिपने के लिए कुछ और वक्त मिल सके। अब बॉर्डर पर पहुंचकर हुजिन सभी लोगों को बहुत बहादुरी से मार रहा होता है। वहां पर टाइमलाइन सिटी की प्रिंसेस और जादूगर उसको देखकर बहुत हैरान होते हैं। इतने में हुजिन को एक तीर लग जाता है। राजकुमारी जिंद अपने दुश्मनों के राजकुमार से अगले 3 दिन में शादी करने की बात कहती है और बताती है कि अगर उन लोगों ने हुजिन को नहीं छोड़ा तो वह सुसाइड कर लेगी। तब टाइमलाइन की प्रिंसेस हुजिन को छोड़ते हुए कहती है कि अगर उसने अपना वादा पूरा नहीं किया तो फिर उसके राज्य पर अटैक कर देंगे। अब आगे जियाओ वे जो धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रही थी, तभी वहां पे राजकुमारी जाकर उसे गले लगा लेती है, जिससे सारी बर्फ पिघल जाती है। फिर जियाओ वे राजकुमारी को अपने प्यार के पास ही रहने के लिए कहती है और उसे टाइमलाइन जाने से मना कर देती है। अब वो फिर से राजकुमारी से अपनी ब्यूटी के बदले उसके दिल की मांग करती है। वो बताती है कि राजकुमारी डायमंड बनकर हमेशा अपने प्यार के साथ रह सकती है, बस उसे अपनी ब्यूटी बनाए रखने के लिए इंसानी दिल को खाना होगा।
उस पर राजकुमारी कहती है कि अगर वह मेरी जगह लेगी तो उसे टाइमलाइन सिटी जाना पड़ेगा जिसमें उसकी जान जा सकती है क्योंकि उस राज्य की राजकुमारी बिना अपने स्वार्थ के कोई भी काम नहीं करती। उस पर जियाओ वे उससे कहती है कि उसे बस महसूस करना है कि इंसान बनना कैसा होता है, फिर वो राजकुमारी उसको अपना दिल दे देती है ताकि उनकी सोल एक दूसरे की बॉडी में बदल सके। आगे वो राजकुमारी हुजिन के पास जाती है और जियाओ वे टाइमलाइन सिटी चली जाती है। तब उसको पता चलता है कि उसका मंगेतर वही राजकुमार है जिसका दिल उसकी बहन बट डायमंड ने निकाल कर खा लिया था। साथ ही उसे ये भी पता लग जाता है कि राजकुमारी का दिल निकाल कर आने वाले सूर्य ग्रहण पर राजकुमार के शरीर में लगा दिया जाएगा जिससे वह दोबारा जिंदा हो सकेगा। फिर आगे उस आदमी की बोतल फिर से चमक रही होती है जिसका मतलब है कि आसपास कोई फॉक्स डायमंड है और अब वह जियाओवे की शक्ल में राजकुमारी को देखता है। अब हालांकि वो धीरे धीरे डायमंड में बदल रही होती है इसलिए बोतल वाले आदमी का दिल निकालने लगती है। जैसे ही उसके हाथ में उस आदमी को खून लगता है उसकी उंगलियां जलने लगती है क्योंकि उस आदमी के पूर्वज डायमंड हंटर होते हैं। उसके बाद वो वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर बट डायमंड आती है और उस आदमी को सब कुछ सच सच बता देती है। आगे वो आदमी हुजिन को सब कुछ बता देता है कि कैसे जियाओ वे डायमंड और राजकुमारी ने अपना अपना शरीर बदल दिया है। तभी राजकुमारी एक इंसानी दिल खाने वाली होती है लेकिन उसे हुजिन रोक लेता है क्योंकि अगर इंसानी दिल खा लेती तो दोबारा से इंसान नहीं बन पाती। अब हुजिन उसे बताता है कि वह सिर्फ उसे ही चाहता है और अभी तक उसे जियाओ वे डायमंड ने उसे अपने जादू से वश में किया हुआ था इसलिए वो हमेशा उस डायमंड को ही देखता था। फिर वो अपनी तलवार निकाल कर अपनी आंख पर मारकर खुद को अंधा कर लेता है। ऐसा करने से उस डायमंड का जादू हुजिन से उतर जाता है। तभी हुजिन कुछ सिपाहियों के साथ टाइमलाइन सिटी जाता है और वहां पहुंचते ही ये लोग उस सिटी पर हमला कर देते हैं। तभी बट डायमंड उस सिटी के जादूगर पर हमला करती है लेकिन वो जादूगर उसको मार देता है क्योंकि उसकी तलवार पर डायमंड हंटर का खून लगा होता है। तब वहां से बट डायमंड गायब हो जाती है लेकिन कुछ देर बाद वो सारे बट डायमंड को लेकर वहां आती है जिनकी मदद से वह जादूगर की जान ले लेती है। आगे हुजिन जियाओ वे डायमंड जिसके पास राजकुमारी का दिल मांगता है और बदले में उसको अपना दिल देने की बात करता है लेकिन जियाओ वे डायमंड किसी शर्त के बगैर से राजकुमारी का दिल वापस कर देती है जिससे राजकुमारी दोबारा से इंसान बन जाती है। उसका चेहरा भी ठीक हो जाता है। उसके बाद हुजिन अपनी आंख की पट्टी खोलकर अपने घोड़े पर सवार होकर उस राजकुमारी के साथ चला जाता है। फिर आगे वो बोतल वाला आदमी कहता है कि अगर सूर्य ग्रहण के समय कोई भी डायमंड किसी के साथ अपनी सोल एक्सचेंज करती है तो दूसरा आदमी और डायमंड एक ही सोल बन जाते हैं। फिर उसे बट डायमंड फिर से दिखाई देती है जिसका पंख वो अपनी किताब में रखता है और इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।